ये जो हमारी बैठक है ये राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की महाराष्ट्र में हम जो संगठन बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, बेरोजगारी पर काम कर रहे हैं, और उसी सिलसिले में मीरा भाईंदर में राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की संगठना आने वाले मीरा भाईंदर के 2022 के जो कॉरपोरेशन के चुनाव होने जा रहे हैं उस चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर राष्ट्रवादी यूथ कांग्रेस के वन बूथ टेन यूथ ये संगठन का फॉर्मूला आज हमने यहाँ पर शहराध्यक्ष साजिद पटेल और उनके साथियों को बताया है। मुझे पूरी आशा और उम्मीद है कि साजिद भाई और उनके सभी सहकारी पेंडुलकर जी के मार्गदर्शन में ये काम पूरा करेंगे और आने वाले महानगर पालिका में राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष ये सब में बड़ा पक्ष होगा। इसलिए युवाओं की ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति राष्ट्रवादी कांग्रेस के पीछे खड़ा करने के लिए आज ये मीटिंग आयोजित। अभी देखा आपने हमारे महाराष्ट्र प्रदेश युवक के अध्यक्ष सम्माननीय महबूब शेख जी का यहाँ पे अड़ाव बैठक आयोजित किया करने के लिए यहाँ के जो जिलाध्यक्ष साजिद पटेल जी है उनको बोला था, लेकिन आपने आपके माध्यम से देखा चैनल के माध्यम से कि यहाँ पे आज युवकों को बैठने के लिए भी जगह नहीं थी। ये आज संगठना जैसे आज बीसी की परिस्थिति थी वैसे ही आज युवकों की भी परिस्थिति थी। 2017 में जब ये सब छोड़ के गए थे तभी युवकों की भी हालत वही थी, आज मेरी भी हालत वही थी, लेकिन आज हमने ग्राउंड लेवल में संगठना बांधने का काम अच्छी तरह से किया हुआ है। और हमने और हमारे आदरणीय महबूब साहब ने भी बोला अपने भाषण में, और उनने उन्होंने जो प्रोत्साहन देने का युवकों को काम किया हुआ है वो बहुत बड़ा आने वाला 2022 में काम में आने वाला है। युवकों के माध्यम से साहब ने बोला है कि आंदोलन रहे या महानगर पालिका के निगड़ित विषय रहे, ये सब युवकों को ही लेके हमको आगे बढ़ना है, और युवक ही ये देश की महाराष्ट्र है, ये मीरा भाईंदर की ताकत है। युवकों को लेके आगे हम 2022 का लक्ष्य आगे रखा हुआ है, और 2022 में मैं महबूब शेख साहब को शब्द देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आज जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका में एक भी नगर सेवक नहीं है, आने वाला 2022 में ज़्यादा से ज़्यादा नगर सेवक वहाँ पे दिखेंगे, यही मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से महबूब साहब को शब्द देता हूँ। आपने देखा कि लोग हमारे पार्टी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, चाहे वो युवा हो बीसी हो महिला हो, हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, और जो भी टारगेट महबूब साहब ने हमको दिया है वो तो ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम टाइम में हम लोग ये टारगेट को पूरा करेंगे। और आने वाले टाइम में आप मीडिया तो रहेगी और वो देखा जाएगा कि जैसा कुल मिला के हमारे कार्यकर्ता ही 700-800 युवा के हो जाएंगे वो टाइम पे, तो हमारे को ये हॉल कम पड़ेगा, हमको एक ओपन ग्राउंड के अंदर वो सभा रखना पड़ेगी, और वो ही जो महबूब साहब हमको काम देंगे और जो प्रदेश से काम हमको दिया जाएगा वो अच्छे तरीके से हम लोग करके यहाँ पे मीरा भाईंदर में दिखाएंगे। और मीरा भाईंदर का राष्ट्रवादी पार्टी के तरफ से एक अच्छा मैसेज मीरा भाईंदर से प्रदेश में जाएगा, और जो भी मदद हमको लगेगी जैसा महबूब साहब ने बोला क्या मीरा भाईंदर में जो भी नगर पालिका का हो, पुलिस स्टेशन का हो, हॉस्पिटल का हो, जो भी काम आप लोग युवा के तरफ से करेंगे, और किधर भी वो काम नहीं होगा तो आप मेरे पास आइए, जो भी मंत्री के तहत वो काम हो सकता है वो मंत्री के पास वो खुद चल के वो हमको लेके जाएंगे। और हमको ये चीज़ मालूम है कि महबूब साहब डाउन टू अर्थ वाले नेता है और वो हम हमारे लिए हर एक चीज़ करेंगे, और हम उन्होंने जो भरोसा हमारे पे दिखाया है मीरा भाईंदर के अंदर युवाओं पे दिखाया है, मैं ये आपके माध्यम से उनको और हमारे पार्टी को ये वादा करना चाहता हूँ कि अगली बार जब वो आएंगे तो वादे पे हम खरे उतरेंगे, और जो जो हम वो हमारे को काम सौंप के जा रहे वो हम पूरा करेंगे। उन्होंने ये भी टारगेट दिया आपको, 3 महीने का टारगेट दिया और एक बूथ पे 10 वो कैसे करेंगे? आज 3 महीने का टारगेट हमको दिया है, आज हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने के टारगेट में 600 बूथ के अध्यक्ष करना है, 95 वार्ड के अध्यक्ष करना है, और 29 प्रभाग के अध्यक्ष करना है, 24 प्रभाग के अध्यक्ष, 95 वार्ड के अध्यक्ष, 600 के करीब जो बूथ है उसके अध्यक्ष करना है। ये 3 महीने का टारगेट है, इसके बाद वाला वो एक बूथ पर एक अध्यक्ष जब करेंगे तो उसके नीचे का 10 की बॉडी, ये उसके बाद का आने वाला प्रोग्राम रहेगा। मीरा भाईंदर की तरफ से युवक की तरफ से एक जिम्मेदारी दी गई 145 विधानसभा क्षेत्र आते 146 विधानसभा क्षेत्र आते उसकी, मैं उसको पूरी तरीके से निभाने की कोशिश करूँगा, और जैसे कि महबूब भाई ने हमको जिम्मेदारी दी है 600 बूथ 95 वार्ड अध्यक्ष और 24 प्रभागत, तो वो
वो जिम्मेदारी हमको 3 महीने में पूरी पार करना है और मैं उनको ये भरोसा दिलाऊंगा कि जो उन्होंने हमको जिम्मेदारी आज दे के जा रहे हैं वो आने वाले कल में उनको हम निराश नहीं होने देंगे, उनको उस जिम्मेदारी से हम हमारी तरफ से हम पार करें और हमको हम आने वाले कल में ये जिम्मेदारी पूरी करके दिखाएंगे ताकि 2022 में ज़्यादा से ज़्यादा युवक के नगर से हम महानगर पालिका पहुँचा सके। हम ये कोशिश करेंगे, ये भरोसा दिलाता हूँ मैं उनको और इधर जो दो शब्द बोल के विदा लेता हूँ। जय जय महाराज।